ये मुझे बताइए, बार बार योगी जी का सीधे सीधे हमला करना अखिलेश यादव पर, क्या मैं ये मान लूं कि ये बायपोलर कॉन्टेस्ट मान लिया है बीजेपी ने, कि ये योगी बनाम अखिलेश की लड़ाई है, बाकी प्लेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है? राकेश त्रिपाठी नहीं, सुमित जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी उसमें अपने पुराने रिकॉर्ड को पाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, ये सब परस्पर आपस में इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि विपक्ष नंबर एक कौन बनेगा। इनके लिए अपना पुराना रिकॉर्ड जो 2017 का था वो पाना भी आज मुश्किल है। इनके लिए आज कठिनाई हो रही है कि 47 सीटें समाजवादी पार्टी कैसे पा रहे। मेरा तो सवाल है, धर्मेंद्र यादव जी बैठे हैं, वो जवाब दे दें कि आजमगढ़ से सांसद हैं अखिलेश यादव जी, क्यों नहीं आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे? उन्होंने कहा था मैं आजमगढ़ की जनता से पूछ के बताऊंगा, लेकिन आजमगढ़ में चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए? समाजवादी पार्टी के लोग जहां से एक बार निर्वाचित हो जाते हैं दोबारा वहां लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाते हैं? इस बात का डर है ना, क्योंकि एक सांसद के तौर पर अखिलेश यादव जी आजमगढ़ गए नहीं, उन्होंने जनता की अपेक्षाओं पर खड़े उतरे नहीं पूरे कोरोना काल में। राकेश भाई, मैनपुरी जो करहल की लोकसभा सीट है, वहां से मुलायम सिंह यादव भी तो सांसद है, गए तो मैनपुरी है ना, वो वहां भी तो अगर एंटी इनकम्बेंसी होगी तो वहां भी हो जाएगी, करहल में भी मिल जाएगी। नहीं ऐसे तो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।